हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY टोनर। ये जो DIY टोनर है आप उसको घर पे बना सकते हैं, और अभी बहुत ज़्यादा सड़ी हुई गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो ये जो DIY टोनर है वो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा एक ग्लो प्रोवाइड करेगा, आपके जितने भी ओपन पोर हैं उनको मिनिमाइज करेगा, आपकी स्किन में एक ब्राइटनेस वाला इफेक्ट देगा और आपकी स्किन में एक बहुत ही ज़्यादा ठंडक प्रोवाइड करेगा। चलिए देख लेते हैं कि मैं कौन से टोनर की बात कर रही हूँ। जो ये जो मैं टोनर बनाऊंगी वो हमारे किचन में ही इसके जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कुकुम्बर टोनर की। जी हाँ, ये जो कुकुम्बर टोनर है, अभी खीरा बहुत आ रहा है और हम सभी उसको यूज भी कर रहे हैं अपने घर में। तो ये जो कुकुम्बर टोनर है वो आपकी स्किन में एक बहुत ही ज़्यादा कूलनेस प्रोवाइड करता है। कैसे, वो हम देखेंगे आगे वीडियो में। आपके जो पिगमेंटेशन होते हैं उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा इंग्रेडिएंट और यूज़ करेंगे जो आपके स्किन में एक ब्राइटनेस इफेक्ट देगा। और जो आपके स्किन में शेयर करूंगी कि इसको हमें कैसे बनाना है और हमको किस तरीके से अप्लाई करना है इसको। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करनी करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये सारे इंग्रेडिएंट लगेंगे। तो आपको यहाँ पर जो चाहिए वो गुलाब जल चाहिए, कोई भी गुलाब जल ले सकते हैं, और एक खीरा चाहिए जिसको अच्छे से धोना है, और विटामिन ई के कैप्सूल। और यहाँ पे दो एक आइटम और लगेगा जो मैंने लिया है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अच्छे से पील ऑफ करना है, और पील ऑफ करने के बाद इसको फिर से एक बार अच्छे से धोकर उसको इस तरह से कद्दूकस करके ग्रेट करके उसको फाइन ग्रेट करना है हमको। और ये सारा जो खीरा है वो हमने ग्रेट कर लिया है और उसको ट्रांसफ़र कर लिया है एक कटोरी में। और कटोरी में करने के बाद मैंने यहाँ पर छन्नी ली है और इसका जितना भी जूस है वो इस तरीके से प्रेस कर करके मैं यहाँ पे निकालूँगी। और इसी तरीके से आपको चम्मच से प्रेस करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जूस निकल सके। और यहाँ पे मैंने सारा जूस निकालने के बाद मैं इस ग्लास में भर दूँगी ताकि मुझे एक कंटेनर में डालना आसानी हो। और यहाँ पे हम लेमन ऐड करेंगे, या तो हमें लेमन ऐड करना है या विटामिन ई, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे आधा नींबू जो है वो इसमें अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है, और इस तरीके का कंटेनर हमको लेना है जो कि है स्प्रे कंटेनर। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, आप चाहे तो अपने लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और जितना भी ये जो मिक्सचर है वो हमें ट्रांसफ़र कर लेना है इस स्प्रे बॉटल में। और उसके बाद इसका ढक्कन लगा देना है और इसको अच्छे से शेक कर लेना है। और ये लीजिए कि अब आप देखेंगे तो आप एक बार स्प्रे करके देख लीजिए तो ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे स्प्रे करना है। तो आपने अगर इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाला है तो आप इसको डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं, बट अगर आपने लेमन डाला है तो इस तरीके से आंखों पे कवर करके डालना है, क्योंकि लेमन है तो वो आपको इरिटेशन देगा। तो आपने देखा कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया। मैं आपको यहाँ पर बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ कि अगर तो आप इसको रात को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें लेमन डाल सकते हैं, और जो एंड एट द सेम टाइम अगर आप इसको दिन में यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप इसको कभी भी यूज़ करना चाहते हैं, वैसे भी अभी तो हम सभी घर पर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप इसको दिन में यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें लेमन बिल्कुल भी ना ऐड करें। इनफैक्ट कोई भी अगर आप फेस पैक या कोई भी इस तरीके का अगर DIY बनाते हैं जिसमें लेमन होता है तो वो आपको नहीं यूज़ करना है लेमन, अगर आप उसको दिन में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको लेमन लगाने के बाद सन एक्सपोजर नहीं लेना है। तो इसके दो तरीके हैं, अगर आप इसको रात में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप इसको रात में नहीं बना रहे हैं तो मैं इसमें बोलूँगी कि आप थोड़ा सा एक विटामिन ई का कैप्सूल इसमें डाल दीजिए तो आप इसको पूरे दिन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में बनाया, एक्चुअली ये सिर्फ मेरा वन खीरा जो थोड़ा बड़ा है वो आपने देखा वीडियो में, मैंने सिर्फ उसी में रख सकते हैं लाइक 3 दिन के लिए। 3 दिन से ज़्यादा आप स्टोर ना ही करें तो मैं आपको यही, तो ये नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बना हुआ है तो खीरा तो बहुत आ रहा है, तो हमको क्या है इसको 3 दिन के लिए बनाना है और उसको स्टोर करना है। और इसको मैंने इसमें लेमन ऐड किया क्योंकि मैं मोस्टली मुझे रात में ही अप्लाई करना होता है, अगर आपको फुल डे इसको यूज़ करना है
है, तो आप इसको जस्ट अपने फेस पे, आपने देखा कि मैंने किस तरीके से दिखाया है आपको, आप इसको फ्रिज से निकालिए और इस अपने फेस पे स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा फील होगा, और उसको जस्ट ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आप नॉर्मल अपना फेस वॉश कर रहे हैं उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ने के बाद आप इसको इसके ऊपर डायरेक्टली क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये टोनर यूज़ करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा दिखने लग जाएगा, और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है, आपको अलग से कोई भी किसी भी ब्रांड का टोनर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और खीरा अभी मतलब लाइक भर भर के अभी हमें मिल रहा है, तो हम क्यों ना उसी इंग्रेडिएंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि हमें उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है और कुछ DIY बनाना है, और सबसे ज़्यादा अश्योरेंस ये रहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और लाइक हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए हमें पता है वो 100% आयुर्वेदिक होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और ये वीडियो आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और जो नीचे छोटू सा बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए सो दैट कि इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।